हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे जो अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे, जिनका रिवीजन करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। रिविजन पोर्शन एक तरीके से आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट टेन थ्री ए इंटू टेन टू ए इंटू टेन ए इज इक्वल टू टेन थ्री ए माइनस टेन टू ए माइनस टेन ए, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है कि इफ टेन ए माइनस टेन बी इज इक्वल टू एक्स एंड कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू वाई, देन प्रूव दैट कॉट ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। आपको ये दोनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। मैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन में आप देखिए क्या किया जा सकता है कि हमें सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि tan 3a, tan 2a, tan a है ना, और इधर भी tan 3a, tan 2a, tan a है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं tan 3a को tan 2a और a से कोरिलेट किया जा रहा है। ये लाइन ऑफ थिंकिंग हो सकती है कि tan 3a को tan 2a और a से कोरिलेट किया जा रहा है। तो ये हो सकता है ना, tan 3a को tan 2a और a से अगर हम कोरिलेट करने का सोचें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ऐसा लिखोगे तो हमने क्या किया कि इसको एक्सपेंड कर लिया, क्या बना tan 3a माइनस tan 2a, सॉरी tan 2a ना, tan a प्लस tan 2a अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan 2a, ठीक है। अब दिख रहा है यहां से कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो tan a tan 2a इंटू tan 3a, ये वाली टर्म भी जनरेट हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, tan 3a माइनस tan a tan 2a tan 3a इज इक्वल टू tan a प्लस tan 2a। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, tan 3a इसको एक साइड रखो, माइनस का tan 2a माइनस का tan a इज इक्वल टू ये वाली टर्म इस साइड। तो यही अपने पास रिजल्ट चाहिए था, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, है ना। तो ये आपका प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में tan a माइनस tan b इज इक्वल टू वन अपॉन x, सॉरी x है, cot b माइनस cot a इज इक्वल टू y है। एक तरीके से हम कहें तो हमें क्या करना है, हमें वन अपॉन x प्लस वन अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेते हैं, x को हम सबसे पहले क्लब करके लिख लें क्या, इस तरीके का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि tan a माइनस tan b को sin cos में क्लब करके लिखा जा सकता है LCM लेकर के। तो ये क्या बनता है, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन ए माइनस बी डिवीजन में क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, ये आपका एक्स हो गया। तो वन अपॉन एक्स अब आप लिख सकते हो कि वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। y को भी इसी तरीके से लिख लें, वहां पे क्या है, cot b माइनस cot a है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos b sin a, ठीक है, माइनस cos a sin b। तो ये भी बन गया आपका sin a माइनस b, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, sin b sin a। अब आप देखो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y जब करोगे, ठीक है, यहां से 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y जब करोगे तो 1 अपॉन एक्स में क्या होगा, कॉस ए कॉस बी ऊपर, 1 अपॉन वाई में क्या होगा, साइन ए साइन बी ऊपर, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आपके पास रहेगा साइन ए माइनस बी, है ना, ठीक है। 1 अपॉन एक्स में कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस बी, 1 अपॉन वाई में साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी, दोनों को ऐड कर दिया तो ये टर्म बन गई। ऊपर न्यूमरेटर क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी, और नीचे क्या हो गया, साइन ए माइनस बी। तो यहां से ये चीज भी प्रूव होकर के आ गई कि दिस थिंग इज इक्वल टू कॉट ओवर ए माइनस बी, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट फिर से ये दो क्वेश्चन है, फिर से वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। पहला क्वेश्चन है, इलिमिनेट थीटा एंड फाई इफ ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम, बी साइन स्क्वायर फाई प्लस ए कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एन, और तीसरा रिलेशन है a tan theta is equal to b tan phi। कंडीशन डाली गई है a is not equal to b, ऐसे में हमें theta और phi को eliminate करना है, हमें एक ऐसा relation एक तरीके से लेकर के आना है जो कि a b m और n के बीच में हो, theta और phi वहां पे involved ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए किस तरीके से सोल्यूशन होगा, आप पहले ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो अपन यहां देख सकते हैं ना कि यहां से
साइन स्क्वायर थीटा निकाला जा सकता है क्या? यहां से साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा जो भी चाहे वो निकाल सकते हैं क्या हम? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, इसको बदल दो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम। तो यहां से आपके पास आ गया ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम माइनस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा निकल गया तो टेन थीटा तक आपका रास्ता साफ हो गया कि टेन थीटा आप निकाल सकते हो। फिर अब फाई की बात कर लेते हैं, फाई में क्या होगा, फाई भी निकाल सकते हैं क्या? तो हाँ वो भी निकल सकता है, बी साइन स्क्वायर फाई प्लस ए वन माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एन। तो यहां से आपके पास क्या आया कि बी माइनस ए साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एन माइनस ए। तो यहां से साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी हो गई, एन माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर फाई आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना था, नेक्स्ट काम हमें ये रिलेशन अभी तक यूज हमने किया नहीं, ए टेन थीटा इज इक्वल टू बी टेन फाई। तो निकाल सकते हैं क्या, क्या करें? अगर साइन स्क्वायर थीटा पता है तो क्या हम टेन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा अगर पता है तो क्या हम टेन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं क्या? तो अपन चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई सेक स्क्वायर थीटा निकाला, माइनस वन किया, है ना, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकाला होता तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाता, उसमें से माइनस वन किया आपके पास रिजल्ट बन जाता। तो खैर अपन कोई नहीं, इसको फिर से यूज कर लेते हैं कि हमें लिखा गया ए टेन थीटा इज इक्वल टू बी टेन फाई। अपना अल्टीमेट एम क्या है? अपना अल्टीमेट एम है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर फाई, इन सबको ऑब्टेन करना। क्यों? क्योंकि हम अंडर रूट वगैरह अवॉइड करना चाह रहे हैं। अगर हम टेन थीटा निकालने जाएंगे तो निकल तो जाएगा लेकिन अंडर रूट वगैरह में निकलेगा। तो इससे बेहतर क्या है कि अगर ये चीज ट्रू है तो भाई ये बात भी सही होगी ना, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई, ये तो सही होगा। तो आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा आपको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा अगर पता है तो टेन स्क्वायर थीटा आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो इसके लिए आपने ऐसे कहा ए स्क्वायर, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूं, बल्कि ऐसा कुछ कर लेते हैं अपन, ज्यादा आसान होगा क्योंकि हमने साइन स्क्वायर निकाला है। सेक कॉस स्क्वायर निकाला होता तो अपन सेक स्क्वायर निकाल सकते थे और सेक स्क्वायर माइनस वन क्या होता, सीधा टेन स्क्वायर के बराबर हो जाता। लेकिन खैर अपन ने साइन स्क्वायर निकाल रखा है तो अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसी को। अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, टेन स्क्वायर फाइव अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। इसी को तुम लिख सकते हो क्या, इस टेन स्क्वायर को ऊपर भेज दो तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर माइनस वन, और इसको भी वैसे ही। तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और नीचे क्या बना, कोसेक स्क्वायर फाई माइनस वन। कोसेक स्क्वायर थीटा यहां से रखा जा सकता है ए माइनस बी अपॉन एम माइनस बी। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर फाई आप रख दो बस, ए माइनस बी अपॉन एम माइनस बी माइनस वन, और नीचे भी इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर फाई के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए अपॉन एन माइनस ए माइनस वन। ठीक है, तो बी माइनस ए अपॉन एन माइनस ए माइनस वन। ठीक है, तो आपके पास ए बी एम एन में बस एक रिलेशन आ गया जहां ये वाली टर्म आपके इलिमिनेट हो गई, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, बस यही आपका एक्सप्रेशन आ गया और यहां से आपका रिलेशन भी प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में प्रूफ करने को क्या बोला गया है, साइन 10 प्लस साइन 20 प्लस साइन 40 प्लस साइन 50 इज इक्वल टू 70 प्लस 80। ठीक है, तो अब देखो आप कैसे क्या कर सकते हैं, अपन सीडी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कहीं से बन रहा है क्या 70 80 जैसा। तो अपन देखें एक बार कि 10 और अगर हम मान लो यहां से केस लेते हैं इसका, इसमें एंगल्स क्या बनेंगे 15 बनेंगे, लेकिन साइन 10 और साइन 50 का अगर लेते हैं, ठीक है, साइन 10 और साइन 50 से क्या बनेगा, एक 60 डिग्री वाला एंगल बनेगा, 60 बाई 2 मतलब इनफैक्ट 30, और एक क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 और 50 का डिफरेंस 40 बाई 2 मतलब 20। ठीक है, 20 बनेगा तो 70 काम आ सकता है। फिर इसी तरीके से यहां पे 20 और 40 को एक साथ अगर लें तो एक तो 20 प्लस 40 बाई 2 30 डिग्री वाला एंगल बनेगा, और दूसरा 20 माइनस 40 बाई 2 मतलब 10 डिग्री बनेगा, और 10 डिग्री अगर बनेगा तो 80 काम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम क्या है 90 है ना, 10 इधर तो 80 इधर,
इंटरकन्वर्ट किया जा सकता है। तो खैर अपन देखते हैं क्या करें, सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं साइन 10 और 50 को एक साथ, ठीक है, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री को एक साथ और बाकी साइन 20 और साइन 40 को एक साथ। तो साइन 10 और साइन 50 का कितना हो जाएगा, 2 साइन 30 और कॉस डिफरेंस बाई 2 मतलब 20। फिर दूसरा देखो हम क्या किसको क्लब कर रहे थे, 20 और 40 को, तो 20 और 40 से क्या बनेगा, 2 साइन 30 और कॉस 10 डिग्री। तो यहां से क्या आया आपका, कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री। तो कॉस 20 कितना हो गया, साइन 70 और कॉस 10 कितना हो गया, साइन 80 डिग्री के बराबर हो गया। और इस तरीके से हमारा सेकेंड वाला भी एक्सप्रेशन प्रूव हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट फिर से आपको ये दो क्वेश्चंस प्रूव करने। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin a minus c cos c minus sin a minus 2c upon 2 sin b minus c into cos c minus sin b minus 2c is equal to sin a upon sin b, ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन डिस्कस करता हूं। देखिए इसमें a minus 2c है, b minus 2c है, यहां पे b minus c c a minus c c, क्या समझ में आता है, अपन यहां पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि भाई हमें a माइनस cd नहीं लगेगा ना यहां पे, यहां से cd फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, लेकिन उसका उल्टा वाला यूज किया जा सकता है। क्या था वो, जो प्रोडक्ट को हम एडिशन में बदलते थे, या तो वैसे चले जाइए। तो आप क्या देख सकते हो, 2 sin a माइनस c into cos c और sin b माइनस c cos c। 2 sin मतलब वो फॉर्मूला हमने आपको बताया था ना, sin a cos b क्या होता है, इज इक्वल टू हाफ sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करने वाला या प्रोडक्ट को डिफरेंस में कन्वर्ट करने वाला। देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन ओवर, सम करेंगे तो a और प्लस डिफरेंस लेंगे तो a माइनस सी माइनस सी, ठीक है, माइनस साइन ए माइनस टू सी। अब आपको दिख गया कि ये दोनों तो कट रहे हैं, ठीक है, तो सेम काम हमने नीचे भी कर दिया। यहां पे आपके पास क्या आया, साइन बी प्लस साइन बी माइनस टू सी और माइनस का साइन बी माइनस टू सी, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बाकी बात कितनी बची अपने पास, सिर्फ साइन ए अपॉन साइन बी, ठीक है। तो बस एक लाइन में आपकी चीज प्रूव हो गई। एक और तरीका था, आप ऐसे सोच सकते थे कि भाई ये माइनस सी और सी इधर है, तो इधर भी हमें माइनस सी और सी बना ले, कैसे बनाए, तो साइन ए माइनस सी को एक ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस सी एक और टर्म, मतलब ए माइनस सी को एक एंगल ले लिया, दूसरे एंगल को सी ले लिया, और साइन फिर थीटा माइनस फाइ या साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते थे, वैसे भी कैंसिलेशन होता और आपका फाइनली साइन ए वाई साइन बी आ जाता, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई साइन फाइ इज इक्वल टू एक्स साइन टू थीटा प्लस फाइ, प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इंटू समथिंग इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू समथिंग, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको k मान लें, मैंने कहा था एक दो तीन चीजें अगर बराबर में लिखी हैं तो इज इक्वल टू k मान लीजिए, k मान लेंगे तो x y आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा k अपॉन sin phi और x आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा k अपॉन sin 2 थीटा प्लस phi। अब यहां पे आप रख दीजिएगा उसको कि x की जगह क्या रख दें, k अपॉन sin phi रख दें, y की जगह क्या रख दें, सॉरी x की जगह k अपॉन sin 2 थीटा प्लस phi और y की जगह क्या रख दें k अपॉन sin phi, ठीक है, उस लाइन के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं। लेकिन यहां पे ज्यादा चीजें आसान है, कैसे पता चलेगा आपको, जब आप ये दोनों टर्म्स देखोगे, क्या कहा जा रहा है इसको अगर मैं फिर से लिखूं, अगर थोड़ा सा रिफ्रेम करके, तो क्या बनेगा, x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस वाई, ये बनेगा, ठीक। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं आप, ये टर्म कुछ पता कर रहा है क्या कि ये इस टर्म को कैसे बना सकते थे, यहां से कुछ है क्या जो इसको बना दे। तो अब फिर से देखो, इसको भी लिखा जा सकता है, इसको लिख लिया मैंने ऐसे कुछ y अपॉन x इज इक्वल टू साइन टू थीटा प्लस फाइव अपॉन साइन फाइव, ठीक है, इस तरीके, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों कुछ कोरिलेट हो रहे हैं, हाँ, कंपोनेंडो डिविडेंडो, अगर इस पे आप सीधा कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करो तो ये टर्म बन सकती है। क्या करते थे उसके लिए, जैसा लेफ्ट साइड में हमने ऑपरेशन किए हैं वही ऑपरेशन हम राइट साइड में भी करेंगे। तो आप देखिए लेफ्ट साइड में अगर मुझे चाहो वाई बाई एक्स से इस पे पहुंचना है तो क्या करना चाह रहा है ये कह रहा है वाई में डिनोमिनेटर एक्स को जोड़ दो और अगली बार वाई से डिनोमिनेटर एक्स को घटा दो, तब ये टर्म बन रही है। तो जैसा इधर किया गया, मतलब इस तरह इसने बोला कि भाई y प्लस x करना है
और नीचे y माइनस एक्स करना, इसी को यूज कर रहा है। तो इधर भी वैसा ही y प्लस एक्स, तो प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका साइन टू थीटा प्लस फाइव, पहले से था प्लस आपका साइन फाइव और आ गया, और नीचे क्या आएगा y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स मतलब y, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि y इसके बराबर है, लेकिन आप कंपोनेंटो डिविडेंडो का जो हमने रूल बताया था कि किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं वही बस यूज कर रहा हूं। तो y प्लस एक्स, तो हमने ये टर्म लिख दी y माइनस एक्स मतलब y की जगह पे साइन टू थीटा प्लस फाइव माइनस का साइन फाइव, ये आपका बन गया। ठीक, अब देखिए यहां से आपके पास सीधी फॉर्मूला लग जाएगा, टू साइन थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा, और नीचे क्या बनेगा टू साइन, सॉरी टू कॉस पहले है ना, डिफरेंस है ना बीच में, कॉस पहले आ जाएगा, थीटा प्लस फाइव इंटू साइन फाइव। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, तो ये दोनों तो हमारे पास टेन थीटा प्लस फाइव हो गए, और ये हमारे पास टर्म बन करके आ गई यहां से कि ये कॉट थीटा प्लस फाइव और यहां से कॉट थीटा, तो ये आपके पास आ गया कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस फाइव, यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो अगर आप ये ऑब्जर्व कर लें कि अगर y by x पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा करके ये चीज बनाई जा सकती है, तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, अदर मेथड के लिए फिर आपको वही करना पड़ेगा कि x की जगह k अपॉन साइन टू थीटा प्लस फाइव रखा, y की जगह पे हमने k अपॉन साइन फाइव रखा है ना, और कॉट थीटा प्लस फाइव, और इसी तरीके से इधर भी हमें y और x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इन दोनों को इक्वेट कर पाएंगे। तो फिर से आपके पास ये तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। फर्स्ट है प्रूव दैट कॉस पाई बाई फाइव प्लस टू पाई बाई फाइव सिक्स पाई बाई फाइव और सेवन पाई बाई फाइव का सब जीरो होना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है इफ कोसेक ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी प्लस सेक बी देन प्रूव दैट टेन ए टेन बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, तो पहले आप इन्हीं दोनों क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का। ठीक है, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगा कि ये सिक्स पाई बाई फाइव का मतलब क्या है पाई प्लस पाई बाई फाइव, और 7 पाई बाई फाइव का मतलब क्या है पाई प्लस 2 पाई बाई फाइव। तो ये आपके पास कॉस पाई बाई फाइव है, कॉस 2 पाई बाई फाइव है, इसको एज इट इज रहने दिया मैंने। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने पाई प्लस पाई बाई फाइव, और दूसरा टर्म है कॉस पाई प्लस 2 पाई बाई फाइव। ठीक है, तो कॉस पाई बाई फाइव तो एज इट इज रहा, 2 पाई बाई फाइव एज इट इज रहा। ठीक है, अब बाकी के टर्म्स की बात करते हैं, कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस पाई बाई फाइव, यहां पे क्या आएगा माइनस कॉस टू पाई बाई फाइव, सब कट गए, वैल्यू कितनी हो गई जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड में देखिए क्या कहा गया, कोसेक ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी प्लस सेक बी देन प्रूव दैट टेन ए टेन बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस बी बाई टू। अब आप खुद से सोचो ये टर्म आएगी कैसे, सी डी फॉर्मूले से, लेकिन सी डी फॉर्मूला कोसेक में तो लगता नहीं है, सेक में लगता नहीं है, मतलब साइन कॉस में बदलना पड़ेगा ही। तो साइन कॉस में अगर बदलना है तो देखिए क्या करेंगे, कोसेक ए ठीक है वन अपॉन साइन है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं हो सकते ना कि वन बाई साइन है और वन बाई कॉस है, साइन और कॉस एक साइड रहे और उस पर सी डी लगे, नहीं। तो साइन के सारे टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, तो वन अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचेगा वन अपॉन कॉस बी माइनस का वन अपॉन कॉस है, ये हो गया। ठीक है, अब कम से कम एक साइड तो आ गए साइन, एक साइड आ गया कॉस, क्योंकि सीडी फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों कॉस होने चाहिए, दोनों साइन होने चाहिए, ऐसा होता है ना। तो एलसीएम अगर लें तो देखो क्या बनेगा, एलसीएम लेने पे आएगा हमारे पास साइन बी माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इज इक्वल टू इधर देखिए क्या आएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। हमें देखो अब चाहिए क्या, चाहिए tan a into tan b, कैसे बनेगा, इसको ऊपर भेजना tan a into tan b बन जाएगा। तो आपके पास यहां से टर्म क्या आ गई, यहां से आपके पास आ गया sin b माइनस साइन ए, ठीक है, डिवीजन में आपके बन गया cos a माइनस cos b इज इक्वल टू sin a इंटू साइन बी अपॉन cos a इंटू cos b। ठीक है, तो आप देखो इस पे सी डी फॉर्मूला अप्लाई करें हम। ठीक है, ये तो आपके पास काम का आपका टर्म आ गया tan a into tan b, लेकिन बाकी की टर्म क्या है, इस पे सी डी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 cos a plus b by 2 sin b minus a by 2, और डिवीजन में क्या आएगा, cos a minus cos b है तो यहां माइनस टू आता है sin a plus b by 2 और sin a minus
बी बाई टी। तो आप देखो 2 से 2 साफ हो गया, ये माइनस ये सब साफ हो गए, बचा क्या आपके पास कॉट ओवर ए प्लस बी बाई टी। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये भी प्रूफ हो गया। थर्ड क्वेश्चन में अब देखिए आपको क्या करना था, ये क्वेश्चन है tan a plus b is equal to 3 tan a, तो हमें ये दोनों एक्सप्रेशंस प्रूफ करने हैं। पहले इसको ट्राई करना है, फिर इसके बाद सेकंड वाले पार्ट को प्रूफ करने का ट्राई करना है। तो अपन उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। तो फिर से इस क्वेश्चन का डिस्कशन अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए tan a plus b और 3 tan a, और प्रूफ करना है साइन 2a plus b और 2 sin b। ठीक है, तो एक तो तरीका होगा कि आप यहां से जाओ, इसको स्टार्ट करो और उससे इस पे पहुंचो। ठीक है, मैक्सिमम लोग ये ट्राई भी कर रहे होंगे। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, दो मेथड्स अपन डिस्कस करेंगे। साइन 2a plus b is equal to 2 sin b, यहां से अपन स्टार्ट करें और अपन ये प्रूफ कर दें tan a plus b is equal to 3 tan a। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, लेकिन अब इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए क्या अल्टीमेटली, यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और हमें एंगल चाहिए a plus b और a, तो इसको ब्रेक कर ले a plus b और a के टर्म्स में, तो हमारे पास क्या बनेगा साइन a plus b plus a is equal to, यहां से क्या आएगा a plus b minus a। अब सब कुछ आपका a plus b और a में दिख रहा है, a plus b और a के टर्म्स में सब कुछ दिख रहा है, तो अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए क्योंकि यही एंगल हमें चाहिए थे। तो बनेगा क्या साइन a plus b cos a प्लस कॉस ए प्लस बी साइन ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी साइन ए। ठीक है, कॉस ए प्लस बी साइन ए, ये आपके पास टर्म बन गई। ठीक है, अब आप देखो ए प्लस बी अपन क्या चाहते हैं, एक साइड आ जाए, तो अपन ए प्लस बी को एक साइड उठा करके ले आते हैं। ए प्लस बी, अच्छा 2 sin b था ना ये, तो 2 sin b था, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये 2 और यहां पे एक और 2। ठीक है, अब आप देखो साइन ए प्लस बी कॉस ए, ये टर्म थी और ये टर्म थी, तो इसको हम राइट साइड लेते जा रहे हैं और इसको हम लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, तो ये माइनस 2 था, इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 3 कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए इज इक्वल टू कितना बचेगा साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू कॉस, अब यहां से आपकी बात क्लियर हो गई क्या, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी हो गया। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी और इधर हम कॉस ए को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देते हैं साइन ए बाई कॉस ए, तो 3 tan a, ये चीज हमारी प्रूफ होकर के आ गई। ठीक है, इसी को हम चाहें तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, और यही आपको मेनली सीखना है यहां पर। क्या था मेथड, मेथड 2 क्या कर सकते हैं, टेन ए प्लस बी और नीचे हमने लिख दिया टेन ए। ठीक है, इज इक्वल टू आपको कितना था 3। ठीक है, ये आपको गिवन था, अब आप चाहो यहां से इस पे पहुंचना, तो क्या कर सकते हो, देखो अब ये थोड़ा सा अच्छा सा मेथड है, अगर हम सीडी फॉर्मूला अप्लाई करें, सीडी क्यों अप्लाई करें, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला बताया गया था टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस बी नहीं, टेन ए माइनस टेन बी, वो जो चीज होती है एलसीएम लेकर के क्लब की जा सकती है साइन या कॉस के टर्म्स में, तो वही फॉर्मूला अपन यूज करें कि टेन ए प्लस बी और टेन ए को ऊपर भेज दिया, कंपोनेंटो डिविडेंडो। ठीक है, ये ऊपर, इसको 3/1 पढ़ो, तो यहां पे क्या होगा 3, 1 को ऊपर ऐड कर दें, पिछली बार क्या हुआ था इधर डिनोमिनेटर को ऐड किया गया, तो यहां भी ऐड कर दो डिवीजन में। अब अगली बार क्या करो टेन ए प्लस बी माइनस का टेन ए, तो यहां पे भी क्या करोगे 3 - 1। ठीक है, ये आपके पास टर्म बनी, अब इस पर हम थोड़ा सा क्लब कर लेते हैं इसको उसी फॉर्मूले से, तो क्या बनेगा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, वरना एलसीएम कम से कम पता रहे कि एलसीएम लेकर के ऐड किया जा सकता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे हमारे पास क्या आएगा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी और माइनस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू कितना होगा 3 + 1 = 4/2 मतलब 2। ठीक है, अब यहां पर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा साइन ओवर ए प्लस बी कॉस ए प्लस साइन ओवर ए इंटू कॉस ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला बन गया ना साइन ए प्लस बी प्लस ए का फॉर्मूला बन गया, और डिवीजन में कॉस ए प्लस बी कॉस ए, नीचे भी कॉस ए प्लस बी कॉस ए आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में एक और टर्म बचेगी साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस ए, तो वैल्यू कितनी हो गई साइन 2a प्लस बी अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है,
अच्छा सेकंड पार्ट तो बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इसमें तो आपको मेनली ये ऑब्जर्व करना था कंपोनेंट और डिविडेंडो से हम सीधा सीधा उस रिजल्ट पे पहुंच सकते थे, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, सेकंड वाले पार्ट में देखो बहुत आसानी से किया जा सकता है। यहां पे अगर हम इन दोनों पे सीडी लगा दें तो क्या आएगा, 2 sin 2a + b और cos b, इतना ही होगा। अच्छा sin 2a plus b को अभी हमने प्रूव कर दिया, sin 2a plus b 2 sin b के बराबर होता है, तो बस लिख दो यहां पे 2 into 2 sin b, cos b पहले से था तो ये आ गया आपके पास 4 sin b cos b। तो ये खैर हमने कुछ क्वेश्चंस का आपने रिवीजन कर लिया है, अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीपल एंगल्स। तो यहाँ पे हम हायर एंगल्स की बात करने वाले हैं या फिर सब मल्टीपल एंगल्स, मतलब साइन 2a, साइन 3a, साइन 4a, इन सब के बारे में, या फिर उससे लोअर एंगल साइन a/2, साइन a/4, इस तरीके की चीजें हो, साइन a/3 तरीके की चीजें हो, तो उनको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए मल्टीपल ऑफ एंगल्स में सबसे पहले तो हम यूज किसका करेंगे, जैसे हम साइन ए प्लस बी को ही अगर सबसे पहले उठाते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और इसमें कुछ चेंजेस करें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये आपके पास था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अगर आप बी इक्वल टू ए रख लीजिए यहां से, तो ए इक्वल टू बी अगर आपने रखा तो बनेगा क्या, साइन 2a इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, मतलब लिखा जा सकता है 2 sin a cos a, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो साइन 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 sin a cos a के बराबर हो गई, ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। अब इसी के अलग अलग मैनिपुलेशंस आपको यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि अब आप इसी को कैसे लिख सकते हो, 2 sin a upon cos a, ठीक है, और अपॉन cos a किया तो यहां पे cos स्क्वायर डाल देता हूं मैं, ठीक है, लिख सकते हैं। ये कितना बन गया, 2 tan a बन गया, और cos स्क्वायर को नीचे भेज दिया हमने, sec स्क्वायर बन गया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 tan a तो ऊपर और नीचे sec स्क्वायर को tan में लिखा जा सकता था ना, 1 + tan² तो इसको लिख दिया हमने 1 + tan². तो साइन 2a का फॉर्मूला, एक तो 2 sin a cos a आया, लेकिन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट ये वाला भी रिजल्ट है कि इट इज इक्वल टू 2 tan a upon 1 + tan² है। जब हम साइन 2a को tan के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो उस समय हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये हो गया एक, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये और भी मैनिपुलेशन इसमें करते हैं। अब देखिए एक और चीज अपन देख लें, ये इंपॉर्टेंट भी है काफी, अलग अलग फॉर्मेट में आगे यूज आती है, इवन इंटीग्रेशन में भी इसका यूज पड़ेगा आपको। साइन प्लस कॉस का जब आप होल स्क्वायर करते हो तो क्या बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, इंटीग्रेशन में, है ना, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन जो ट्वेल्थ में पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, 1 प्लस, मतलब एक बार को मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूं पहले, ये क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 sin a cos a। अब आपके पास पता है कि भाई ये वाली टर्म तो कितनी है, 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन ए कॉस ए कितना हो गया, अपन यहां से लिख लें साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से आया साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस का 1, डिवीजन में क्या आया, 2 आ गया। तो साइन ए इंटू कॉस ए की जगह पे हम चाहें तो ये भी लिख सकते थे, ठीक है। तो साइन 2a का एक फॉर्मूला ये भी हो गया, साइन 2a, 2 sin a cos a चाहिए था ना, 2 sin a cos a, तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया, इट इज इक्वल टू 2 sin a cos a विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूले इसके निकल करके आ गए, एक तो 2 sin a cos a, दूसरा आ गया tan के टर्म्स में, और तीसरा आ गया आपका साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आपको ये तीनों मैनिपुलेशंस इसके याद होने चाहिए, और ये वाला खास करके जिस तरीके का एप्लीकेशन है साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, ये इनफैक्ट है, ये हमने ये वाला रिजल्ट बनाया कैसे है ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा आगे यूज आएगा। नेक्स्ट अपन एक बार को कॉस ए प्लस बी भी देख लेते हैं, यहीं पे कॉस ए प्लस बी से स्टार्ट किया, कॉस ए प्लस बी से अपन स्टार्ट करेंगे तो बनेगा क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब रख लेते हैं हम यहां पे ए इक्वल टू बी, ठीक, तो ए इक्वल टू बी रखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा कॉस 2a, और इधर क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। अब इसी को चाहे किसी की जरूरत पड़ी, आप मान लीजिए इसको सिर्फ साइन में कन्वर्ट करना चाहो तो लिख दो cos की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक पहले से था तो ये टोटल कितना हो गया 1 माइनस, इनफैक्ट ऐसे ही लिख देता हूं मैं यहीं पे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। अगली बार किसी को cos में जरूरत पड़ी तो साइन स्क्वायर को बदल दिया, इसको लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा,
टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। तो ये तो तीन फॉर्मूले आपके तुरंत आ गए और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों फॉर्म्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए और टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। कई बार इससे आपको क्लू मिलेगा कि सिर्फ साइन के टर्म्स में रिजल्ट चाहिए, सिर्फ कॉस के टर्म्स में रिजल्ट चाहिए, या फिर कई बार इससे क्लू मिलेगा, जैसे मान लो वन प्लस दे रखा है, तो वन प्लस अगर दे रखा है तो ये माइनस वन वाला फॉर्मूला यूज करो, सो दैट कि वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो जाए। इसी तरीके से कहीं पे माइनस वन प्लस दिया हुआ है तो माइनस वन के साथ में ये वाला टर्म यूज अगर करेंगे तो वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये चीजें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी और वहां से हमें पता लगेगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो खैर साइन टू ए को जैसे हमने टेन में कन्वर्ट करके एक फॉर्मूला बनाया था, वैसा ही एक फॉर्मूला यहां से भी बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे क्या लिख सकते हो, ये आपका था कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें से अगर हम कॉस स्क्वायर ए को कॉमन निकाल लें तो आपके पास क्या बचता है, ये वाली टर्म वन माइनस टेन स्क्वायर ए बचा रह जाएगा। तो बहुत आसानी से हमने क्या किया, वन माइनस टेन स्क्वायर ए को रखा, कॉस स्क्वायर को डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो क्या बन गया सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वन प्लस टेन स्क्वायर। तो अब इसको लिख लिया फिर से, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले और प्लस ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका कॉस ए प्लस बी, या फिर वहां से हमने निकाल लिया कॉस टू ए की वैल्यू, ठीक। टेन टू ए भी यहीं पे देख लेते हैं, टेन ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला निकाल ही रखा था। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी था हमारा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन, ठीक है। तो यहां पे आसानी से हमने क्या किया कि हमने बस a इक्वल टू बी पुट कर लिया, a इक्वल टू बी जैसे ही पुट किया तो ये क्या बन गया, टेन टू ए इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन ए, मतलब टू टेन ए आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर कितना बचा रह गया, वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ध्यान देना यहां पे कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, साइन टू ए जब होता है तो टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए है, और जब टेन टू ए है तो यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर है। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग पता होने चाहिए अच्छे से, प्लस माइनस कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब इनको कब कब यूज कर रहा है, एक यूज अपन देख लेते हैं इसका। जैसे मान लो कि हमें अगर क्वाड्रेटिक टर्म्स दी जाए, ठीक है, साइन या कॉस की क्वाड्रेटिक टर्म्स या कोई हायर पावर्स दी जाए इवन वाली, ठीक है, तो फिर हमारे ये सारे फॉर्मूले जो है प्ले में आ जाते हैं। मतलब क्या है कि आप चाहें तो हायर इवन पावर्स को हायर एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे साइन स्क्वायर ए, ठीक है, आप उसको टू ए में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन टू ए में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस टू ए में कन्वर्ट कर सकते हो, देखते हैं कैसे। तो अपन इसी चीज को लिख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक और इवन हायर पावर्स, क्वाड्रेटिक और इवन हायर पावर्स, इवन मतलब टू से डिविजिबल, ठीक है, क्वाड्रेटिक और इवन हायर पावर्स कैन बी कन्वर्टेड इन हायर एंगल्स, या फिर मल्टीपल एंगल्स, इन हायर एंगल्स बाई यूजिंग फॉर्मूला ऑफ कॉस टू ए। क्वाड्रेटिक और इवन हायर पावर्स, ये किसके लिए बात की जा रही है, ये हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक या फिर कोई हायर पावर्स यूज की जाए किसकी, ये भी लिख लो साथ में, इवन हायर पावर्स के आगे, फॉर साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है। साइन ए और कॉस ए की अगर कोई क्वाड्रेटिक या कोई इवन हायर पावर रखी हुई है तो उसको हम हायर एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आप साइन स्क्वायर ए की बात करें, आपको कॉस टू ए का फॉर्मूला बताया गया था, ठीक है, तो कॉस टू ए के फॉर्मूले में क्या था, अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉस टू ए का फॉर्मूला था आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर, तो आप यहां से लिख सकते हो ना कि साइन स्क्वायर ए कितना होगा, वन माइनस कॉस टू ए बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, साइन का जो एक इवन पावर था, ठीक है, वो बेसिकली हायर एंगल में कन्वर्ट हो गया कॉस के, तो कॉस टू ए के फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने साइन के हायर पावर को हटा दिया और एक लीनियर हायर एंगल की टर्म बना ली, इसमें कोई क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं बनी है ना, तो ये हमारे पास एक मैनिपुलेशन हो गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सी डी फॉर्मूला हुआ, ठीक है, या फिर ए प्लस बी वाले फॉर्मूले हुए, वो सब प्ले में कब आते हैं, अगर आप मान लो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी लिखा है तब तो नहीं ना उतना कुछ कर पाओगे, सी डी फॉर्मूला उन पे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ऐसे में हायर पावर्स को हटाएंगे, लोअर पावर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है,
और मतलब भले ही एंगल्स हाई हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एंगल्स हाई कितने भी हो जाए, साइन 10 है प्लस साइन 8 है, सीटी फॉर्मूला उस पर भी लग जाएगा, लेकिन साइन की पावर 10 है और प्लस साइन की पावर 8 है तब सीटी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो बस यही चीज यहां पे हमें ऑब्जर्व करनी है। यूज क्या था इसका, इसका यूज यही है कि हम हायर पावर्स को हायर एंगल्स में कन्वर्ट करें सो दैट कि हमारे लिए और भी ज्यादा फॉर्मूले यूज करना पॉसिबल हो जाए और भी ज्यादा मैनिपुलेशन अपन कर पाए। तो ये खैर साइन स्क्वायर ए को हमने कॉस 2 ए के टर्म्स में लिखा। अगर हम कॉस 2 ए का दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 तो क्या होगा, अब यहां से आप लिख सकते हो ना कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस 2 ए प्लस 1 बाई 2। ये आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से साइन की पावर 4 हो मान लो, ठीक है, तब क्या करते, तो साइन की पावर 4 ए अगर है आपका तो आप क्या लिख सकते हो इसको, आप इसको साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो सबसे पहले तो, और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 1 माइनस कॉस 2 ए बाई 2। अब आपने क्या किया इसका फिर से होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो क्या बनेगा देख लेते हैं, साइन की पावर 4 ए इज इक्वल टू 1 बाई 2 का स्क्वायर, 1 बाई 4 बाहर निकल गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 ए माइनस 2 कॉस 2 ए। अब फिर से एक दिक्कत आई, क्या दिक्कत, यह कॉस स्क्वायर बन गया, अब इस कॉस स्क्वायर को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, 1 बाई 4 1 प्लस, अभी हमने लिखा ना कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 ए बाई 2, तो सिमिलरली अगर ए की जगह हम 2 ए डाल दें तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4 ए बाई 2। कॉस स्क्वायर 2 ए को हमने ये लिख लिया माइनस 2 कॉस 2 ए, तो हमारे पास टर्म क्या बची 1 बाई 4, 1 प्लस 1 बाई 2 मतलब 3 बाई 2, ठीक है, प्लस कॉस 4 ए बाई 2 माइनस 2 कॉस 2 ए, ठीक है। तो ये चीज आपकी साइन 4 के लिए, साइन की पावर 4 के लिए आ गई। सिमिलरली आप कॉस की पावर 4 भी निकाल सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं, आपको मैनिपुलेशंस पता होने चाहिए कि ये कर पाएंगे हम। इसको भी आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो आप खुद से ट्राई करो एक बार कॉस 4 ए निकालने का। कॉस स्क्वायर ए को अपन क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 ए बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 बाई 4 आपका सामने आ गया, बाकी बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 ए प्लस 2 कॉस 2 ए। अब क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर 2 ए को आपको हटाना है और हायर एंगल्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या बन जाएगा 1 बाई 4 एज इट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 ए, यहां से रख दें फिर से कॉस 4 ए प्लस 1 बाई 2 और प्लस 2 कॉस 2 ए, ठीक है। तो अब यहां से आपके पास फिर से ये सभी हायर एंगल्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन कम से कम फायदा क्या हुआ कि हायर पावर्स आपकी हट चुकी है, तो 3 बाई 2 प्लस कॉस 4 ए बाई 2 और प्लस 2 कॉस 2 ए, ये हमारा कॉस रेज टू पावर 4 का एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला जो हमें यूज करना पड़ता है कई बार, वो क्या है कि जैसे ये हमने लिखा ना कॉस 2 ए इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। वैसे एक और फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, ये आप अभी इसी तरीके से आपने केवल लिख लिया, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस कुछ करनी है लेकिन किसी और दूसरे फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में। अभी आपने बोला था अभी थोड़ी देर पहले जब हमने साइन स्क्वायर ए को लिखना शुरू किया 1 माइनस कॉस 2 ए बाई 2, और इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए को लिखना शुरू किया 1 प्लस कॉस 2 ए बाई 2, तो दोनों का अगर आप रेशियो लो तो क्या आएगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ए अपॉन 1 प्लस कॉस 2 ए, ये आपके पास बनेगा, ठीक है। अब जरा देखो इन दोनों को, इन दोनों को हम कोरिलेट कर सकते हैं क्या, याद रखना है हमें ये वाला फॉर्मूला भी, तो हम कोरिलेट करके याद रख लेते हैं कि cos 2a और tan square a हम यहां पे इंटरचेंज कर सकते थे, इंटरचेंज मतलब cos 2a की जगह tan square a लिख दिया और tan square a की जगह पे cos 2a लिख दिया, तो cos 2a और tan square a को इंटरचेंज किया जा सकता है, क्योंकि इंटरचेंज करने से ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा और वो भी क्या है ट्रू है। तो नेक्स्ट यही भी स्टेटमेंट हो गया कि अगर कहा जाए cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इन दिस फॉर्मूला, ठीक है, इन दिस फॉर्मूला वी कैन इंटरचेंज टेन स्क्वायर ए विद cos 2a, ठीक है, cos 2a और tan square a को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इनके कुछ एप्लीकेशंस हो गए। अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको फाइंड आउट करना है tan ऑफ
22.5 डिग्री, ठीक है, tan ऑफ 22.5 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किससे कोरिलेटेड है, 45 से कोरिलेटेड है, 45/2 है ना। तो आप देखो कैसे यूज करोगे इसको, आप यहां पे देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, tan स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस, भाई 22 के बारे में नहीं पता, 22.5 के बारे में नहीं पता, बट इसके ट्वाइस के बारे में तो पता है ना, तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos, इसका ट्वाइस मतलब 45 और डिवीजन में 1 प्लस cos 45 लिख सकते हैं। तो यहां से एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 और नीचे आ गया 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, तो ये बन गया √2 - 1 / √2 + 1, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहां से देखिए एक बार को, इसको चाहे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर नीचे 1, तो ये बन जाएगा आपका 2 + 1 = 3 - √2, ठीक है। ये आपका इनफैक्ट सॉरी, ये तो tan स्क्वायर हो जाएगा, हमें tan ही चाहिए ना, tan 22.5, तो tan 22.5 की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से दो चॉइसेस थे +/√2 - 1, ठीक है। तो हमें तो √2 - 1 ही लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर माइनस वाला लोगे, ठीक है, ले तो दोनों ही सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू +/√ऑफ दिस थिंग। तो अब हमें लेना क्या पड़ेगा यहाँ पे, चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं, तो √2 - 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे tan 22.5 ये एंगल हुआ, और एक और हमने पहले निकाल रखा था आपको याद हो तो, tan 15 डिग्री, और उसकी वैल्यू आई थी 2 - √3। ये दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, कि दोनों फॉर्मूलों में मतलब ये एंगल्स याद होने चाहिए, जैसे आप tan 45 याद रखते हो, 1 आता है, वैसे ही आप इन दोनों को भी याद रखो, कि ये वाली वैल्यू tan 22.5 है, ये वाली वैल्यू tan 15 है, उल्टा हमें यूज करना पड़ेगा, कि 2 - √3 को हम देख के समझ जाएं tan 15, इसको देख के समझ जाएं कि इट इज tan 22.5 डिग्री। तो नेक्स्ट आपके पास इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके एक मैनिपुलेशन फिर से है, ठीक है, एज अ रिजल्ट भी इसको याद रखना है फॉर्मूले को, और प्रोसेस इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, cos a * cos 2a * cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a, ठीक है। मतलब हर बार देखिए, अगर आप एक पैटर्न अगर हम देखें, कि हमें यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, कि एंगल हर बार ट्वाइस होता जा रहा है, और कॉस की सीरीज लिखी हुई है, हर टर्म कॉस की है और एंगल हर बार ट्वाइस होता जा रहा है लगातार, ठीक है, लगातार टर्म्स हमारे पास, यहाँ ए था, यहाँ 2a, यहाँ 4a, यहाँ 8a, यहाँ 16a है, और ऐसे ही करके एंगल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इनका प्रोडक्ट हमें निकालना है, कितने टर्म्स है, एन टर्म्स नहीं है, कितने टर्म्स है यहाँ पे, देखो ऐसे देखो ना, इसको कॉस, इसको लिख सकते हो ना 2 की पावर 0a, और ये क्या है, cos 2 की पावर 1 है, और ऐसे ही करके कहां तक है, cos 2 की पावर n माइनस 1 है, ऐसा है ना, कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, क्योंकि देखो पावर से यहां 0 से स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू कहां, n माइनस 1, तो 0 से n माइनस 1 तक कितनी चीजें हो गई, n चीजें हो गई ना, 0 से n माइनस 1 तक कितनी चीजें हो गई, n चीजें हो गई। तो अब आप देखो कि अगर इस तरीके की सीरीज दी हुई है तो क्या करना होगा, अगर इस तरीके की सीरीज दी हुई है तो हम अगर इसको साइन, सबसे छोटे वाले एंगल के साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, मतलब क्या हुआ, 1 upon sin a, और sin a इधर अंदर भेज दो, cos a पहले से था, ठीक है, cos 2a, cos 4a, ठीक है, और इसी तरीके से लास्ट में cos 2 की पावर n माइनस 1 into a, ठीक है, ऐसा कर दिया, तो साइन ए से हमने मल्टीप्लाई किया और साइन ए से ही हमने डिवाइड कर लिया। अब देखो इससे रिजल्ट क्या आएगा, 1 upon sin a तो एज इट इज रहा, साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों क्लब किए जा सकते हैं ना, और इनको क्लब करके क्या लिखा जा सकता है, इनको क्लब करके लिखा जा सकता है साइन 2a बाई 2। अब कॉस 2a पे आते हैं, कॉस 2a, कॉस 4a, अब 2, कॉस 2 की पावर n माइनस 1, ये बचा। अब देखो आप साइन 2a और cos 2a को भी क्लब किया जा सकता है, तो साइन 2a cos 2a को जब क्लब करोगे तो बनेगा क्या, साइन 4a अपॉन 2, भाई 2 साइन a cos a होता था ना, इज इक्वल टू साइन 2a, तो साइन 2a इंटू cos 2a, ठीक है, साइन 4a अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, साइन 4a इज इक्वल टू 2 साइन 2a cos 2a, तो साइन 2a और cos 2a मिलके क्या हो गया, साइन 4a बाई 2, तो साइन 4a बाई 2, इसको और इसको केवल क्लब किया तो साइन 4a बाई 2 लिखा जा सकता था, लेकिन एक 1 बाई 2 बाहर भी तो था, ये 1 बाई 2 था ना पहले से, और 1 upon sin a तो यहां पे है ही,
अब cos 4a यहां दिखा मैं, ठीक है, फिर आगे बढ़े, ये सारी टर्म्स हैं लास्ट, इज इक्वल टू, अब देखो क्या हुआ, 1/2, 1/2, 1/4 मैंने बाहर ही निकाल लिया, sin a को भी मैंने बाहर ही निकाल लिया, बचा क्या, तो अब अंदर दिख रहा है sin 4a और cos 4a, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, sin 8a हो जाएंगे, और एक 2 और फिर से नीचे बनेगा, ऐसे ही करते करते अपन cos 2 की पावर n माइनस 1 a तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली बनेगा क्या, देखो थोड़ा सा अगर आप पैटर्न यहां से ऑब्जर्व करो, तो 1/sin a तो हमेशा नीचे रह रहा है, क्या हो रहा था कि जब हम sin 2a cos 2a को क्लब कर रहे थे तो sin 4a बन रहा था, है ना, जब हम आगे की टर्म मान लो ना रहती, सिर्फ इतना ही होता तो हमारे पास क्या आता, 1/4 sin a और sin 4a, इतना ही तक रुक जाते हम, ठीक है, मतलब जो एंगल यहां पे है वही नीचे प्रेजेंट है 4, ठीक है। इसी तरीके से देखो, अगर मान लो सिर्फ यहां तक की चीज रहती, इतने तक की चीज, तो क्या बन जाता, sin 2a अपॉन 2 sin a, यही बनता, ठीक है। हो क्या रहा था, sin a cos a ये मिल करके ट्वाइस हो जा रहे थे, एंगल इनका sin 2a बन जा रहा था, sin 2a cos 2a मिलके sin 4a बना ले रहे थे, sin 4a cos 4a ने मिलके sin 8 बना लिया, तो इसका मतलब इस जब यहां तक यही सीरीज पहुंचेगी तो इस एंगल का भी तो ट्वाइस हो जाएगा भाई, sin 2a 2a मिलके क्या बनाए, sin 2a cos 2a sin 4a, sin 4a cos 4a sin 8a, तो ऐसे ही करते करते sin 2 की पावर n -1 a और cos 2 की पावर n -1 a भी बनेगा, और उस एंगल का भी फिर क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ना, मतलब यहां पे रिजल्ट क्या आएगा, sin ये इसकी ट्वाइस, तो इसकी पावर मतलब इसका 2 टाइम्स करोगे, 2 की पावर n माइनस 1 का 2 टाइम्स इनटू 2 करोगे, तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर n a अपॉन, ये देखो कितना आ जाएगा, ये हमने कहा था जितना यहां पे a का मल्टीप्लिकेशन में रहता है वही डिनोमिनेटर में भी आता है, तो 2 की पावर n, और नीचे sin a तो हमें रखना ही है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्या किया हमने, sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्लब करते गए sin a cos a sin 2a, ठीक है, एक 2 बाहर, sin 2a cos 2a sin 4a, एक और 2 बाहर, sin 4a cos 4a sin 8a, एक और 2 बाहर, ठीक है, और ऐसे ही करते करते लास्ट में इसको जब क्लब करेंगे तो इस एंगल का भी ट्वाइस हो जाएगा, 2 की पावर n अपॉन, और डिवीजन में एक साइन है तो पहले से प्रेजेंट था ही। अब इसी को वर्ड्स के टर्म में मैं कहूं तो कैसे लिखूंगा इसी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है, देखो 2 raised to power नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स था, साइन लोएस्ट एंगल, साइन लोएस्ट एंगल, ठीक है, ये क्या है, सबसे छोटा एंगल था ना इन सब में, तो लोएस्ट एंगल, और साइन 2 raised to power नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और इनटू ए, तो ए मतलब क्या हो गया, या फिर 2 into number of terms भी नहीं, बल्कि तुम तो ऐसे लिखो सबसे बड़ा वाला जो एंगल था उसका ट्वाइस, ठीक है, तो 2 times of largest angle, ठीक है, 2 times of largest angle ऐसे लिखो, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला आपको वर्ड्स के टर्म में ज्यादा यूजरी है याद रखना, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको 2 की पावर में रख देंगे, साइन ऑफ लोएस्ट एंगल, साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा इस कोसाइन की सीरीज का, ध्यान रहे अगर यही चीज साइन के टर्म्स में होगी तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे, आप खुद से ट्राई कर सकते हो उसको कि वहां पे इस तरीके का क्लबिंग लगातार पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अब अपन देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, तो अपन ने एक एग्जांपल लेने आए यहां पे, किस तरीके से इसका यूज करेंगे बेसिक वो हम इसको समझा रहे हैं, और भी इस पे मैनिपुलेशंस अपन बाद में लेंगे, सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे यहां कि एंगल्स देखिए कॉस की सीरीज है और एंगल्स ट्वाइस होते जा रहे हैं, पाई फिर 2 पाई फिर 4 पाई फिर 8 पाई, है ना, 6 पाई नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो पाई 2 पाई 4 पाई 8 पाई, ऐसे ही 16 आया होगा, ऐसे ही 32 आया होगा, ऐसे ही 64 आया, मतलब 32 पे ही रुक जाना है, ठीक है, तो खैर कोई खास दिक्कत नहीं है, अपन एक और टर्म लिख ही लेते हैं यहाँ पे, उसके लिए अलग से डैश लगाने की क्या ही जरूरत थी। तो ये आपको पूरी सीरीज का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, cos पाई बाई 65, cos 2 पाई बाई 65, cos 4 पाई बाई 65, 8 पाई बाई 65, 16 पाई बाई 65 और cos 32 पाई बाई 65 का हमें प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट के लिए अभी हमने ये जो फॉर्मूला बनाया वैलिड है क्यों, क्या क्या इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो सभी किसके हैं, 2 के टर्म्स में उनका रेशियो है, सभी 2-2 से मल्टीप्लिकेशन करके अगली अगली टर्म क्रिएट होती जा रही है और कॉस की ही सीरीज है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, कब हो सकता है ये चीज सबसे पहले ऑब्जर्व करिए अपने, ठीक है।
तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के तौर पे हम क्या देखेंगे, तो ये वर्ड्स के टर्म में जो हमने इसका फॉर्मूला लिखा है इसी को याद रखिए, क्या करना होगा, साइन सबसे बड़े वाले एंगल का ट्वाइस, सबसे बड़ा वाला एंगल 32, तो ट्वाइस कितना हो गया 64, डिवीजन में क्या आएगा 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं यहां पे, 6 टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 6 हो गया, साइन सबसे छोटा वाला एंगल ये लिखा गया, साइन पाई बाई 65 ये लिखा गया था, साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, साइन लोएस्ट एंगल और 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप यहां से देख सकते हो कि 2 रेज टू पावर 6 तो अलग 64 बन गया, इसको लिखा जा सकता है ना पाई माइनस पाई बाई 65 और नीचे क्या है साइन पाई बाई 65, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आंसर कितना आ जाएगा 1/64। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से उसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन cos 2 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7, cos 6 पाई बाई 7 और यहाँ पे वही चीज साइन में है, साइन पाई बाई 14, 3 पाई बाई 14 और 5 पाई बाई 14, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का, cos 2 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7, cos 6 पाई बाई 7 इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं यहां पे कि 2 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7 तक तो ठीक था, कोसाइन की सीरीज चाहिए थी, कॉस की सीरीज है, ट्वाइस यहां पे हुआ लेकिन फिर ट्वाइस नहीं हो पाया, एंगल का ट्वाइस नहीं हो पाया, अगर एंगल का ट्वाइस नहीं हो पाएगा तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करें, ऐसे केसेस में आप चाहो तो एक बार ये देख लो कि पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, ये सब फॉर्मूले कुछ काम दे जाए क्या पता, तो पाई 2 पाई बाई 7 ले 4 पाई बाई 7 इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें, कॉस 2 पाई बाई 7, 4 पाई बाई 7 को हमने एज इट इज रखा, 6 पाई बाई 7 को मैंने लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 7, तो कितना आएगा, ये आएगा कॉस 2 पाई बाई 7, कॉस 4 पाई बाई 7 और कॉस पाई माइनस थीटा है जो कि कितना देगा हमें माइनस का कॉस पाई बाई 7, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई माइनस कॉस पाई बाई 7, कॉस 2 पाई बाई 7 और कॉस, ठीक है, कॉस 4 पाई बाई 7, ये आपके पास ओवरऑल सीरीज बची रह जाएगी, ठीक है, अब आप देखिए इसका प्रोडक्ट अब आप कर सकते हो क्योंकि सभी एंगल्स क्या हो रहे हैं लगातार ट्वाइस होते जा रहे हैं, तो जब ट्वाइस एंगल होते जा रहे हैं तो फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा, क्या होगा माइनस तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, तो नंबर ऑफ टर्म्स थे हमारे पास 3, तो 2 रेज टू पावर 3, साइन 2 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट एंगल, 2 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट एंगल और डिवीजन में क्या चाहिए एक और साइन लोएस्ट एंगल, लोएस्ट एंगल पाई बाई 7, ठीक है, तो साइन 8 पाई बाई 7 हो गया, साइन पाई बाई 7 हो गया, तो माइनस 1/8, ठीक है, साइन 8 पाई बाई 7 को लिख सकते हैं ना पाई प्लस पाई बाई 7 और नीचे हमारे पास क्या है साइन ओवर पाई बाई 7, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1/8 के बराबर हो गई, ठीक है, तो आपको ऐसे केसेस में जब कभी भी हमारे पास कॉस की सीरीज तो है लेकिन अब ट्वाइस नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में क्या करना, इस पॉइंट को लिख लेना कि पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, इन सब को यूज करें, हो सकता है कि वो जो 2 into 2 into 2 वाली चीज है वो क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14 और साइन 5 पाई बाई 14, अब इस क्वेश्चन में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस क्वेश्चन में तो साइन है, हमने तो फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा, कॉस के लिए पढ़ा, साइन के लिए तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, हमने पहले ही कह रखा था कि साइन के लिए ये चीज फॉलो नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो अब क्या करें कॉस में कन्वर्ट करें, कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, पाई बाई 2 माइनस थीटा, भाई साइन थीटा जो है उसको लिखा जा सकता है ना कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, तो साइन पाई बाई 14 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14 लिख सकते हैं ना, ठीक है, इसी तरीके से इसको क्या लिखा जा सकता है पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14 और ये इसको भी कन्वर्ट करके लिख ही लेते हैं पहले पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14, देखिए कितना आएगा, ये बन गया आपका कॉस 7 माइनस पाई मतलब 6 पाई बाई 14, ये क्या बन गया आपका कॉस 4 पाई बाई 14, ठीक है, और ये आपका कॉस 2 पाई बाई 14, तो ये आपके पास टर्म क्या बनी, ये हो गया आपका cos पाई बाई 7, ये हो गया आपका cos 2 पाई बाई 7 और ये आपका लेकिन पंगा दे गया, ये क्या बन गया cos 3 पाई बाई 7, अब इस 3 पाई बाई 7 को हटाना पड़ेगा हमें क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई करके यहां तो पहुंच सकते थे लेकिन इसका 2 से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या करें फिर इसको कन्वर्ट करें, और अभी हमने कहा कि इस तरीके के कन्वर्जेंस के टाइम पे ये चीजें याद आनी चाहिए,
तो क्या होगा, cos पाई बाई सेवन टू पाई बाई सेवन, जिनसे प्रॉब्लम नहीं थी उनको एज इट इज रखा, जिससे प्रॉब्लम थी उसको कन्वर्ट किया। क्या इसको लिख सकते हैं हम, पाई माइनस फोर पाई बाई सेवन, तो ये बन गया आपका माइनस बाहर आ जाएगा, cos पाई बाई सेवन टू पाई बाई सेवन और cos फोर पाई बाई सेवन, प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट में देखिए माइनस, ठीक है, साइन ऑफ 2 into largest angle, 2 into largest angle मतलब 8 pi by 7, और division में क्या आएगा, number of terms कितनी है, 3, 2 raised to power 3, sin lowest angle pi by 7, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको pi plus pi by 7, और ये product कितना हो गया, 1 by 8 के बराबर आ गया। तो एक question और लेते हैं हम इन्हीं higher angles और higher powers से related, sin raised to power 4 pi by 8, 3 pi by 8, 5 pi by 8 और 7 pi by 8, इनका हमें sum find out करना है। तो क्या करेंगे, हमने पहले ही कहा कि हमारे पास options ज़्यादा open होते हैं, कब, जबकि हमारे पास ये higher powers जो हैं वो higher angles में convert हो जाएं, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अपने को पता हैं, जब तक ये powers हैं तब तक हमें दिक्कत होती है, और उसको हम हटाने के लिए क्या करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि cos 2a वाले फॉर्मूले का आप यूज़ करो। तो साइन रेस टू पावर 4 पाई बाई 8 है, इसको आप कैसे लिखोगे, आप थोड़ा सा इसमें कन्वर्जन पहले क्लब करने का कर सकते हो, एक ऑब्जर्वेशन अगर आप कर लो, ठीक है, उतना आप सभी पे अप्लाई करने की जगह थोड़ा कम आपको ट्राई करना पड़ेगा। देखो आप सबसे पहले पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 मतलब सम क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया, 5 पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 इनका भी सम कितना है, 3 पाई बाई 2 है ना। तो अब देखो इसको लिखा जा सकता है क्या, साइन 4 पाई बाई 8, और इसको मैंने लिख लिया साइन रेस टू पावर 4 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से यहां आते हैं, 5 पाई बाई 8 और साइन रेस टू पावर 4, ठीक है, 3 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 8, है ना। तो ये ओवरऑल क्लब होके क्या हो जाएगा, साइन रेस टू पावर 4 पाई बाई 8, ये हो जाएगा आपका कॉस रेस टू पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन रेस टू पावर 4 5 पाई बाई 8, और प्लस ये बन जाएगा आपका कॉस रेस टू पावर 4 5 पाई बाई 8। अब इस पे देखिए आप, ये ना पावर में 4 है, ठीक, ये आप इस पे कन्वर्जेंस थोड़े से आसान हो जाएंगे, कैसे, इन दोनों को आप क्लब करो, क्या बन सकता है, ये लिखा हुआ है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इनको मिला करके कैसे लिखा जा सकता है, एक मैनिपुलेशन ये वाला इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखा जा सकता है, खास करके 4 और 6 के लिए, है ना, यहाँ 4 लिखा है या फिर 6 पावर लिखी हुई है, तो वहां पे क्या कर सकते हो आप, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, लेकिन कुछ टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी, कौन सी टर्म भाई, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर से क्या बनेगा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आ गया क्या, वो सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, या आपने किसको लिखा है अभी, इन दोनों को क्लब करके ये लिखा है। अब आप इन दोनों को क्लब करने का ट्राई करो, इन दोनों को क्लब करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को क्लब करने से बन जाएगा साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8, ठीक, ये वन टू हो गए माइनस 2, इन दोनों को क्लब करके क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई 4 डिवीजन में 2, लिख सकते हैं कि नहीं, साइन पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8 को, पहले तो साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 को लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 4 बाई 2, और इधर ये वाले टर्म्स थे 2 एज इट इज रखा, इसको क्या लिखा जा सकता है साइन 5 पाई बाई 8 इंटू कॉस 5 पाई बाई 8 था, तो लिख सकते हैं साइन 5 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो आपके पास टर्म क्या बनी, 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 डिवीजन में कितना आ गया 2 और ये 4, तो 2 आ गया माइनस, यहां से क्या आएगा साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 4 डिवीजन में कितना आ जाएगा 2, ठीक है, अब आपको सारी वैल्यूज पता है। तो इस तरीके का मैनिपुलेशन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर यही 6 पावर्स लिखी होती तब भी आप कर सकते थे, 6 पावर लिखी होती तो बस यहां पे जैसे हमने होल स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, उस समय हमें क्यूब के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना पड़ता, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा यूज में आने वाले हैं जब आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे और हायर एंगल्स मतलब 3A वगैरह के बारे में। थैंक यू ऑल।